जय हिंद साथियों, मैं यूपीएससी आदित्य सिंह इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो मैं अपना नोट्स से वीडियो बनाता हूँ, तो हिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति को देखा जाएगा, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में देखा जाएगा। और क्या चीज, हाँ, धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, और कुछ किताबों के बारे में, कुछ एक्ट के बारे में, इन सब चीजों को देखा जाएगा। तो लगभग 8 पेज मैंने रात में नोट्स बनाया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ये जो आधुनिक भारत है, यहाँ से आपका चाहे यूपीएसआई का उठा लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का उठा लीजिए, अधिकतर जगह पे आपके सबसे अधिक प्रश्न जो बनते हैं यहीं से बनते हैं। सबसे अधिक प्रश्न किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत से ही बनते हैं। तो क्या है आपका, 1857 की क्रांति, टॉपिक आप लिख लीजिए, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। लगभग हो सकता है 40-50 मिनट का वीडियो हो। तो 1857 की जो क्रांति का आपसे पूछ दे कि तत्कालिक कारण कौन था, मतलब ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई, तो जो उसका तात्कालिक कारण दिया जाता है, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस दिया जाता है। क्या, गाय और सुअर की जो चर्बी वाला कारतूस है उसको तत्कालिक कारण दिया जाता है। उसके बाद 25 मार्च 1857 को, इंपॉर्टेंट डेट है आपका 25 मार्च। एक मिनट में थोड़ा बाहर से खिड़की बंद कर देता हूं। तो कब से है आपका, 25 मार्च 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सा रेजिमेंट है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, कहाँ, बैरकपुर, जगह कौन सा है, बैरकपुर, और नाम क्या है, सैनिक का नाम क्या है, मंगल पांडे। किसको मारते हैं, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर हुसैन पर हमला करते हैं। किसको, लेफ्टिनेंट बाग को, और सर्जेंट मेजर हुसन पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। कौन करता है, जो मंगल पांडे रहते हैं। इन कब करते हैं, 25 मार्च 1857 को, और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। कब, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब फिर इसके आगे क्या होता है। जो 1857 की क्रांति होती है वह स्टार्ट होती है आपकी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से, ध्यान रखिएगा, कहां से, मेरठ से।
वो घटना तो अलग था आपका, जो मंगल पांडे वाली घटना थी वो अलग थी। और एक क्या नाम था, बंगाल लाइट कैवलरी रेजिमेंट का क्या नाम था, बंगाल लाइट कैवलरी। यहां से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, जब 1857 की क्रांति होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल जो है कौन था, केनिंग था। कौन, केनिंग। केनिंग जो है गवर्नर जनरल कब बना था, 1856 में गवर्नर जनरल बना था। किसके बाद बना था, डलहौजी के बाद। डलहौजी का समय कब तक था ये भी याद रखिएगा, डलहौजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य हड़प की नीति यही लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 से 1856 तक था। इसी के समय में प्रथम रेलवे भी चली थी 1853 में। तो डलहौजी का कार्यकाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से उसको देखा जाएगा। केनिंग 1856 में गवर्नर जनरल बनता है और कब तक रहता है, 1858 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है आपका, लिख लीजिएगा। ये तो जब 1857 की क्रांति हुई तब पूछता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड केनिंग। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन याद लिख लीजिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या। भारत का मैं बोला हूं, स्वतंत्र शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनिंग। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से एक अधिनियम लाया जाता है और जो गवर्नर जनरल होता है उसको बना दिया जाता है क्या, वायसराय। अब केनिंग जो है 1858 से लेके 1862 तक वायसराय के रूप में काम करता है, रहता तो यही है हेड, लेकिन ये अब हो जाता है क्या, वायसराय के रूप। क्या बन जाता है, वायसराय बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारत का ये तो आपने लिख लिया अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वायसराय कौन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लॉर्ड केनिंग ही। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मिस्टन। आप याद रखिएगा, उस समय जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मिस्टन। अब हम लोग देखते हैं यहां से इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, और भी चीजें। विद्रोह के समय जो है भारत का सम्राट पूछता है कि मुगल सम्राट कौन था। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय मुगल सम्राट कौन रहता है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। कौन, बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन यहां तक पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को
अंग्रेजों ने जब कैद किया तो इनको कहां पे भेजा था, तो कहां पे भेजा था, रंगून भेजा था। कहां पे? रंगून भेजा था। और क्वेश्चन यहां तक भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1862 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ए अंतिम मुगल बादशाह थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आधिकारिक रूप से अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1837 से 1857 तक। कब तक? 1837 से 1857 तक इनका कार्यकाल था। अब जैसे अलग अलग जगहों पर क्रांति हुई, ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लीजिए। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हम पुस्तकों के नाम और उनके लेखक लिख देते हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको किसने लिखा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था, विनायक दामोदर सावरकर। तो आप लिख लीजिएगा इनका पूरा नाम, पूरा नाम क्या था इनका, विनायक दामोदर सावरकर। पानी थोड़ा दे देना बोतल में, सादा पानी देना। फिर अगला पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, क्या है, द ग्रेट रिबेलियन। ये स्वतंत्र 1857 की क्रांति से सभी पुस्तकें हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। लेखक इसके कौन है, अशोक मेहता। कौन है लेखक, अशोक मेहता इसके लेखक हैं। फिर 1857 पुस्तक का नाम ही है 1857। तो यहां पे देखिए कैसे याद रखेंगे इसको 1857। तो यहां पे देखिए से यहां पे है, एन यहां पे है बोतल में, चलो रहने दो। तो कौन हो जाएगा यहां पे, एस एन सेन, याद रखेंगे कौन है, एस एन सेन इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर एक और पुस्तक है आपका सिपाही, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ, म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस पुस्तक के लेखक हैं आर सी मजूमदार। कौन है, आर सी मजूमदार। तो इन सभी पुस्तक के नाम आप और इनके लेखक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीडी सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता 1857, एस एन सेन, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर सी मजूमदार। अब हम लोग आ जाते हैं जैसे इस क्रांति का केंद्र कहाँ कहाँ पे रहा और उस केंद्र पे नेता कहाँ कौन रहा, जैसे कानपुर, लखनऊ, बिहार, हर जगह पर नेता कौन रहा विद्रोह का और उसको दबाया किसने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली से, दिल्ली में जो है कौन नेता था, बहादुर शाह जफर या हम कह और साथ में बख्त खां। तो साठ में लिखता हूं थोड़ा, बहादुर शाह जफर और कौन थे, बख्त खान। कौन, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। और दबाया किसने,
निकल्सन एवं हडसन, किसने दबाया? निकल्सन एवं हडसन। दबाया किसने इस क्रांति को? निकल्सन एवं हडसन। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे तो कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और दिल्ली में कब स्टार्ट होता है? आपका 11 मई 1857 को। कब ये क्रांति स्टार्ट होती है? 11 मई 1857 को स्टार्ट होती है। अगला है हमारा कानपुर। कौन सा है? कानपुर है। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब और तात्या टोपे। किसने? नाना साहब और तात्या टोपे। दबाया किसने था? कैंपबेल। स्टार्ट कब हुआ था? 5 जून 1857। तो देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये डेट नहीं इंपॉर्टेंट है यहां पर उतना, लेकिन कानपुर में नेता कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। और उस विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल ने। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर और वक्त खां। दबाया किसने विद्रोह को? निकल्सन एवं हडसन ने। कानपुर में कैंपबेल। ऐसे कई बार जब आप बोलेंगे कानपुर कैंपबेल, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। और यहां पे भी लखनऊ और कानपुर नजदीक है, तो यहां पे भी कैंपबेल। लखनऊ और कानपुर नजदीक है तो यहां भी आप क्या करेंगे? कैंपबेल। फिर हम आ जाते हैं झांसी। झांसी तो सबको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई। इस विद्रोह को किसने दबाया? तो रानी लक्ष्मीबाई एक हीरो के रूप में कार्य की थी। रानी लक्ष्मीबाई एक हीरो के रूप में काम कर की थी। तीनों दबाने के लिए किसी हीरो को ही भेजना पड़ेगा। तो जो इन यहां पे क्रांति को दबाया था उसका नाम क्या था? ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मी एक हीरो की तरह काम की थी, इस वजह से उस विद्रोह को दबाने के लिए ह्यूरोज को भेजा गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ का पानी बहुत गहरा है, तो नीला एक तरह से मान लीजिएगा। तो कर्नल नील। किसने? कर्नल नील ने दबाया था। किसने? कर्नल नील ने। फिर जगदीशपुर कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहां पे पड़ता है? बिहार में। इसके नेता कौन थे? कुंवर सिंह। और दबाया किसने था? विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। तो ये आप याद रखिएगा, राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे। तो राजा का कपड़ा कौन सीता है? टेलर सीता है, ठीक है। तो टेलर और आयर याद रखिएगा, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। तो विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया? जब राजा थे तो टेलर गया, और कौन? विंसेंट आयर, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। कहां पे? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहां पे? बिहार में पड़ता है। फिर बरेली। बरेली में नेता कौन था? खान बहादुर खान। बरेली में नेता कौन था? खान बहादुर खान।
यहां पे कौन था, कैंपबेल। कैंपबेल कहां कहां था याद रखिएगा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बरेली। कहां कहां, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बरेली। कैंपबेल में चार अक्षर है, देखिए एक दो तीन चार, क से कानपुर, ल से लखनऊ, और उसके बाद ब से बरेली, फैजाबाद का प को अगर हम फ कर दें, इसको कैंपबेल कर दें, तो चारों जगह का विद्रोह का दबाया था। ट्रिक याद रखना आप, क से कानपुर, ल से लखनऊ, ब से बरेली, प को अगर फ बना दिया जाए तो फैजाबाद, ठीक है। तो कैंपबेल चार जगह युद्ध दबाया था, इसका ट्रिक याद रखिएगा। फिर हम आ जाते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में नेता कौन था, नेता बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां विद्रोह का नेता कौन था, तो फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, और दबाया किसने था, कैंपबेल ने। अच्छा और भी फैक्ट देख लीजिए, तात्या टोपे जो कानपुर में विद्रोह के नेता थे, उनका वास्तविक नाम पूछता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका क्या था, वास्तविक नाम था। इनको जो है अंग्रेजों ने शिवपुरी में, शिवपुरी कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, 1859 में फांसी दिया था अंग्रेजों ने। रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे को, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने जो है शिवपुरी में, कहाँ पे, शिवपुरी में 1859 में फांसी दिया था। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज है, रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को कब प्राप्त हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। आपको बताना है किस जगह पर वीरगति को प्राप्त हुई, मैं लिखा भी नहीं हूं और याद भी नहीं है मुझे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, ते 1857 की क्रांति से संबंधित अभी तक था। अब हम लोग देखने वाले हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, तो साथ में आप भी लिखते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए, हम स्टार्ट करते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय जी से, किससे, राजा राम मोहन राय। जब इनका नाम आता है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये वास्तव में राजा थे, तो नहीं, जो अकबर द्वितीय था, कौन, अकबर द्वितीय, उसी ने इनको राजा की उपाधि दी थी। किसने, आप याद रखिएगा, राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, किसने, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर इनको कई उपनाम भी हैं, क्या, इनके कई उपनाम हैं, मैं उन उपनामों को लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। इनको नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत, फिर आधुनिक भारत का पिता,
उसके बाद नौ प्रभात का तारा, फिर भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, ये सब इनके उपनाम है तो आप लिख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। अब बाकी और देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में किसका स्थापना किए थे? आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। कब? 1815 में। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1825 में किसका स्थापना किए थे? 1825 में वेदांत कॉलेज का। फिर ब्रह्म समाज का 1828 में, ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किए थे? 1828 में। तो याद रख लीजिए, एक बार रिवीजन करा देता हूं। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। इनके अन्य उपनाम हैं नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, नौ प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। कब? 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग सबको पता रहता है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने। अब हम लोग यहां से जो है आगे बढ़ते हैं। फिर है राजा राम मोहन राय ने, इनका नाम शार्ट में लिखेंगे हम लोग, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहयोग से। कहां पे? हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। हिंदू कॉलेज कब? 1817 में। कहां पे? कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। कहां की है? कलकत्ता में। किस वर्ष की है? 1817 में की है। इनकी कई पुस्तकें भी थी और भी चीजें थी, जैसे याद रखिएगा, इन्होंने स्टार्ट क्या किया था? संवाद कौमदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है संवाद कौमदी किसके द्वारा है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर मिरातुल अखबार, शायद यह फारसी भाषा में था, जो मिरातुल अखबार था शायद यह फारसी भाषा में था। फिर अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा था, अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा था क्या नाम था? ब्रह्मानिकल। एक ही साथ है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक पे। राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? ध्यान दीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। किसके बाद? राजा राम मोहन राय के बाद। राजा राम मोहन राय के बाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था।
अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? तत्वबोधिनी सभा की। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो है ब्रह्म समाज का देख मतलब काम कौन करते थे? केशव चंद्र सेन करते थे। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को देखते थे, इनके बाद जो है केशव चंद्र सेन देखते थे। कौन देखते थे? केशव चंद्र सेन। लेकिन बाद में ये बहुत उदारवादी थे, तो वहां पे जब ब्रह्म समाज की सभाएं होती थी तो लोग ईसाई वाला और भी चीजें जो है पढ़ने लगते थे, तो केशव चंद्र सेन को हटा दिया गया। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। जब उनको ब्रह्म समाज से हटा दिया गया तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज। तो आपसे क्वेश्चन आपको ब्रह्म समाज तो पता है राजा राम मोहन राय ने, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज भी पता होना चाहिए। भारतीय ब्रह्म समाज किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, और ये भी उसके अध्यक्ष थे, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत उदारवादी थे तो लोग अपनी मनमानी करने लगे। तो फिर इसके बाद इन्हीं पे नुकसान हुआ, इनको निकाल दिया गया, तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रार्थना समाज। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? 1867 में। याद रखिएगा कब? 1867 में। कहां पे? बंबई में। और स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में, आत्माराम पांडुरंग। फिर नेक्स्ट पेज में ले आता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन सा? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप पूरा लिखिएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। और बाद में यही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में बदल गया। किसमें बदल गया? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में बदल गया। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी था बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में चेंज हुआ। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे जो थे इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था इन्होंने। कब किया था? 1870 में किया था। क्या कब किया था? 1870 में। क्वेश्चन क्या बनेगा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात भी इनको कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए किसका उपनाम महाराष्ट्र का सुकरात? महाराष्ट्र का जो है सुकरात किसका उपनाम? उपनाम किसका? महादेव गोविंद रानाडे का।
महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। फिर पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किस भारत में? पश्चिमी भारत में, तो लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इन्हीं को माना जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को ही। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो रिवीजन एक बार कर लीजिए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महादेव गोविंद रनाडे, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में चेंज होता है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले पेज पे। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? क्या है विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे ने। किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने किया था? डी के कर्वे ने किया था। अब अगला है आपका वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज के श्रीधरलू नायडू, के श्री धरालू नायडू, कहीं आपको धरलू भी मिल सकता है, धरालू भी, ठीक है? तो याद रखेंगे वेद समाज के श्री धरालू नायडू। फिर आगे हम लोग चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में। कब? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था? जो हिंदू धर्म से और धर्म में जाते थे, फिर आते थे, तो उनका शुद्धिकरण किया जाता था, तो इसी को कहा जाता था शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही। फिर आर्य समाज ने, जो आर्य समाज था, इसी आर्य समाज ने गौर अच्छा आंदोलन, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा? गौर अच्छा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा। और गौर अच्छड़ी सभा, कौन सी सभा? गौर अच्छड़ी सभा की भी स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई थी। कौन सी सभा? गौर अच्छड़ी सभा, तो लिख लीजिए इसको, गौर अच्छा आंदोलन और गौर अच्छड़ी सभा किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। बहुत ज्यादा नहीं है, और आपका 4 पेज बचा हुआ है, लगभग 4 पेज कंप्लीट होने वाला है। कितना मिनट का वीडियो हो गया है? लगभग 40 मिनट का हो गया, और 25-30 मिनट का रहेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती,
इनका जो वास्तविक नाम था यानी मूल नाम था वह क्या था, मूल शंकर। तो आपसे पूछ सकता है कि इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने लिखी थी, कौन सी पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूं। स्वराज का, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, तो ये लिख लीजिएगा, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इन्होंने ही कहा किया था। फिर हम आ जाते हैं अगला, यंग बंगाल आंदोलन, कौन सा आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था। इसको जो हेनरी विवियन डेरेजियो थे, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है, क्या माना जाता है, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो हेनरी विवियन डेरेजियो को। क्वेश्चन क्या बनेगा, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरेजियो को। और इनको और भी एक नाम दिया गया है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, क्या नाम दिया गया है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में, वही स्वामी विवेकानंद हैं जो 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे, स्वामी विवेकानंद एक किसके शिष्य थे, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, लिख लीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे, गुरु थे, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के। इनके बचपन का नाम क्या था ये भी पूछता है, नरेंद्र नाथ दत्त, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, तो इसको लिख लेंगे आप। विश्व धर्म सम्मेलन जो मैं बता रहा था आपको, कब हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, 1893 में कब हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, जो हुआ था आपका 1893 में हुआ था, जिसको शिकागो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, क्या किए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, जो ये सम्मेलन हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, भारत का क्या किए थे, प्रतिनिधित्व किए थे। फिर इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद शॉर्ट में लिखूंगा, अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे, कौन सा सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज से अलग है, आपको बताना है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, ये आपका वेदांत सोसाइटी है, क्या है, वेदांत सोसाइटी, और इसका स्थापना की कहाँ किए थे, अमेरिका में किए थे, किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का स्थापना यूएसए में। और
स्वामी विवेकानंद जी ने ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन, क्या रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना कहां पे की थी? वेल्लूर में। कहां पे? वेल्लूर में। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहां पे? वेल्लूर में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब इनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का, लिख लीजिए, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। अभी आपका 3 पेज बचा हुआ है तो हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में। किसने किया था? मैडम ब्लावत्स्की, और कर्नल अलकाट ने। किसने? तथा कर्नल अलकाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 2 यहां पे बनता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसका जो है अड्यार, अड्यार एक जगह है भारत में, और ये अड्यार कहां पे है? मद्रास। इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यानी कि अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो है यहां पे था। अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो है कहां पे था? अड्यार मद्रास में। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1907 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अध्यक्ष 1907 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कब? 1907 में। तो लिख लीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष 1907 में एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। जो आज आपका BHU आप देखते हैं वो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम से था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इसकी स्थापना पहले किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1858 में। 1916 में, कब? 1916 में BHU बना, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है BHU बना। कब? 1916 में। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, धर्मसभा। क्वेश्चन पूछ देगा धर्मसभा की स्थापना किसने किया था? तो धर्मसभा का स्थापना हुआ था 1830 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा। उसके बाद लोकहितवादी उपनाम किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लोकहितवादी
तो ये उपनाम जो है किसका है, गोपाल हरि देशमुख का है। किसका है? गोपाल हरि देशमुख। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लोक हितवादी उपनाम किसका है। फिर देव समाज की स्थापना किसने किया था, देव समाज की स्थापना किसने किया, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। लिख लीजिए, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर अगला है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज, इसका अन्य नाम भी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो उसको भी लिख लीजिए। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर समाज सेवा संघ क्या है, समाज सेवा संघ, समाज सेवा संघ, इसका अन्य नाम भी है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में, कब, 1911 में एन एम जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? एन एम जोशी के द्वारा समाज सेवा संघ या सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है। उसके बाद अगला है रहनुमाई मजद्यासन सभा। रहनुमाई मजद्यासन सभा, ए पारसी लोग, सॉरी सभा, पारसी लोगों से संबंधित सभा थी, तो इसकी स्थापना किया था नौरोजी फरदौनजी। नौरोजी क्या होते हैं? पारसी होते हैं। नौरोजी फरदौनजी, नौरोजी फरदौनजी और दादा भाई नौरोजी, इन लोगों ने स्थापना किया था इस सभा का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं समझिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन जो था सर सैयद अहमद खान ने। क्या? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। फिर अहमदिया आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइंटिफिक सोसाइटी तथा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। क्या क्या? साइंटिफिक सोसाइटी,
साइंटिफिक सोसाइटी और किसकी स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और ये जो कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने 1875 में। एक और इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको, स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना किया था। आपको कमेंट करना है 1875 में किसका स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये 1875 में क्या है आपका? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। किसके द्वारा? इन दोनों का स्थापना किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। फिर इकबाल की एक पुस्तक थी, इसी में इसने सबसे पहले इंकलाब शब्द का यूज किया था। बंगे दर्रा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बंग ए दर्रा। ये पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन इन्होंने इंकलाब जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग इन्हीं ने किया था अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में। किसने किया था? इकलाब नहीं है, इकबाल है, सॉरी, जल्दी जल्दी में थोड़ा गलती हो जा रही है। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब लास्ट पेज बचा है आपका, लाइट बस ना जाए। फिर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंबई में। किसने किया था? ज्योतिबा फूले जी ने किया था। सत्यशोधक समाज, इनकी एक पुस्तक भी थी, पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। आप देखिएगा, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी सभा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किसकी स्थापना होती है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। अच्छा, 1927 में मराठी में, किस भाषा में? मराठी भाषा में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, बहिष्कृत भारत। क्या पत्रिका निकाला था इन्होंने? बहिष्कृत भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देता है बहिष्कृत भारत किसका पत्रिका है, तो भीमराव अंबेडकर जी का है। किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। वर्ष थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दो चीज पता होना चाहिए, जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, किस भाषा में? मराठी भाषा में। फिर 1932 में, कब? 1932 में गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, क्या? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। हरिजन नामक पत्रिका भी इन्होंने लिया था और इन्हीं ने नाम दिया था हरिजन। जो लोग उस समय जिनको अछूत कहते थे, तो इन्होंने नाम दिया हरिजन। फिर दक्षिण भारत में ईवी रामा स्वामी नायकर ने 1922 में आत्मसम्मान आंदोलन।
कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। किसके द्वारा 1920 में और दक्षिण भारत में, किधर में? दक्षिण भारत में किसके द्वारा? रामास्वामी नायकर के द्वारा। किसके द्वारा? रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन। फिर विधवा पुनर्विवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर डीके कर्वे, डीके कर्वे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डीके कर्वे व्यक्ति का नाम है, ठीक है। 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, 1916 में इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। 1916 आपका इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के लिए भी फेमस है, जो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में एनी बेसेंट जी ने स्थापना किया था, 1916 में बीएचयू बना, उसी तरह से याद रखेंगे डीके कर्वे जी ने मुंबई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, कौन सा मैरिज एक्ट? नेटिव मैरिज एक्ट। ये अंतर जाति विवाहों को मान्यता देता था, तो याद रखिएगा नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में आया था, और किसके लिए था? ये अंतर जाति विवाह को मान्यता देने के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सती प्रथा किसके समय में समाप्त हुआ था? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी के समय में ठगी प्रथा भी समाप्त हुआ था, लेकिन ठगी प्रथा को समाप्त करने में कर्नल स्लीमैन का बहुत बड़ा हाथ था। किसका? समाप्त तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, लेकिन कभी कभी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं रहता है, कर्नल स्लीमैन रहता है। क्या? कर्नल स्लीमैन। फिर दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो के समय में, लगभग 1843 में, एलन बरो जो है 1843 के करीब में रहता है, लॉर्ड एलन बरो। फिर शारदा एक्ट जो आता है किसके समय में? ये लड़कियों के और लड़कों की शादी के उम्र से संबंधित है, इरविन के समय में। शारदा एक्ट कब आता है? इरविन के समय में आता है। तो ये फ्रेंड्स पिछला रात में जो मैंने स्टडी किया था आप लोगों को बताया, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। 1 घंटा 3 मिनट का ये वीडियो है, और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इसका नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम के लिए 100% फायदा करने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों।